का लय भारी चैनल पे लय भारी वाले स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम करेंगे डूलिटिल फिल्म का रिव्यू। जो रिव्यू करने वाला हूँ तो ये फिल्म मैं आपको पहले ही बताऊँ, ये फिल्म सिर्फ बच्चों को टारगेट करके ही बनाई है, तो आप ज्यादा दिमाग लगाओगे तो ये फिल्म आपको पसंद नहीं आएगी। तो मैं आपको कहना चाहूंगा सिर्फ आपके बच्चों को दिखाइए, और आप अगर देखना चाहिए कि आपका अंदर का बच्चा जिंदा है तो आप भी ये फिल्म देख सकते हैं। आयरन मैन के बनने के बाद हमारे भारत देश में सारे दुनिया में बहुत सैड सा मोमेंट है, क्योंकि आयरन मैन कब आएगा, सब आयरन मैन जिंदा होगा या नहीं हो, लेकिन वो पता नहीं कब आएगा, लेकिन आएगा नहीं आएगा। लेकिन उनकी एक फिल्म आई है डूलिटिल। फिल्म की स्टोरी क्या है, फिल्म की स्टोरी है एक डॉक्टर जो जानवरों के साथ बातें करता है तो लोग उनको पागल कहते हैं, तो वो अपना एक खुद का ही दुनिया बना देते हैं जहाँ पे सब जानवरों को रखते हैं और वो दुनिया से नाता तोड़ देते हैं। तो कुछ 20 साल के बाद एक कोई लड़का आता है, उनसे बातें करता है, वो उनको उनसे वो सीखना चाहता है वो कैसे बोलते हैं, और फिर कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि वो एक कुछ एडवेंचर मतलब कुछ लाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। तो वहां पे वो जो समंदर में उनकी जो सीन्स है वो एकदम बेहतरीन है। फिल्म में जो आपके पंचेस है, हिंदी के पंचेस, आपको बहुत हंसाएंगे, आपको बच्चों को बहुत खुश कर देंगे। ये फिल्म में ज्यादा से कुछ ज्यादा अलग कुछ नहीं दिखाया गया है। ये फिल्म आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भारत में आई थी महाराजा, वो फिल्म इससे बहुत भी बढ़िया थी। ये फिल्म उसके हिसाब से थोड़ी कम है, लेकिन वो महाराजा फिल्म बहुत बढ़िया थी। अगर आप रॉबर्ट डाउनी के फैन हैं तो आप फिल्म जरूर देखिए, और आपको कैसा लगा हमारे रिव्यू आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन ये फिल्म आप बच्चों के साथ, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप सिर्फ बच्चों के साथ देखिए, बच्चों को दिखाइए, बच्चों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। तो मैं आपका दोस्त अभी विदा लेता हूँ, और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए, और शेयर करिए, लाइक करिए।